Realme 7 Earphone Settings। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने फ़ोन पे एयरफोन सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एयरफोन सेटिंग है दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये सेटिंग आप सिर्फ एयरफोन सेट करते वक्त कर सकते हैं। ठीक है, एयरफोन को आपको प्लग करना होगा, तब जाके सेटिंग्स इनेबल होगा। तो मैंने भी एयरफोन प्लग कर रखा है, तो अगर दोस्तों आपने प्लग नहीं किया है तो प्लग कर लीजिए अपने एयरफोन को और उसके बाद चेक कीजिए, ये सेटिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो एयरफोन सेटिंग कैसे करना है चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर पे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाके दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह का इंटरफेस, नीचे की तरफ आना है और नीचे में आपको मिलेगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें जाना है। और उसके बाद आपको मिलेगा रियल HD साउंड, सेलेक्ट साउंड मोड एंड एंड इक्वलाइजर। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बटन ऑन करना है, ये बटन ऑन करने के बाद सारे सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा। उसके बाद साउंड इफेक्ट मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम है, डिफ़ॉल्ट पॉप, रॉक, कंट्री, जैज, बेस, क्लासिकल, मेटल, ब्लूज, सब आपको मिल जाएगा। जो भी आपको पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आपको कस्टम सेलेक्ट करना है और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका एयरफोन सेटिंग जहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको एयरफोन सेटिंग मिल जाएगा आपके डिवाइस के अंदर पे। तो अगर आपको एयरफोन सेटिंग करना है तो इस सेटिंग को फॉलो करते हुए सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।